और बेस्ट पार्ट ट्रैक का अब यहाँ से स्टार्ट होता है। उसने तो 1.5-2 घंटे बोल रखा ना, मुझसे लग रहा 3-4 घंटे से पहले खत्म नहीं कर पाता मैं। भाई साहब यहाँ तक नीचे देखने भी चक्कर से आ रहे हैं। अच्छा आज पहले हैं, आज के पहले कस्टमर बन रहे हैं हम यहाँ के। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हर्षिल वैली। सो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 10:15 और हमारे निकलने का टाइम हो गया है। सामान वगैरह सब पैक हो गया है, सब कुछ चेक वेक कर लिया, कुछ छूटा तो नहीं है हमारा, तो अब निकलते हैं। चलो भाई लेट्स गो, बाय बाय रूम, अंटिल नेक्स्ट टाइम। हाँ अंटिल नेक्स्ट टाइम। ये था हमारा जहाँ पर हम रुके थे और स्टे काफ़ी अच्छा था। आपको कैसा लगा स्टे? हाँ बहुत अच्छा था, लोकेशन बड़ी अच्छी है इसकी। हाँ और रिकमेंडेड है ये प्लेस, रिकमेंडेड तो है। फैमिली के साथ आ सकते हैं, अभी तो ज्यादा ठंडा है। हाँ जिनके छोटे बच्चे हैं वो अप्रैल मई में आ सकते हैं, जून में, पूरा गर्मियों में तो कभी भी कभी आ सकते हैं। हाँ मार्च के बाद, अभी तो खैर बहुत ठंडा हो रखा है मौसम, अदरवाइज अच्छा स्टे। हाँ स्टे तो अच्छा है। आज की वैसे क्या डेस्टिनेशन होने वाली है हमारी? फिर गरतांग गली, आज गरतांग गली कवर करने वाले हैं फिर हम लोग, और उसके बाद हम निकल पड़ेंगे अपने घर की तरफ वापस, क्योंकि हर्षिल में इतना घूमने का तो है नहीं जितना था, हम लोग सब घूम चुके हैं। ये है हमारे ओनर अंकल जिनका गेस्ट हाउस था, बहुत अच्छा लगा आपका यहाँ रह के, बहुत अच्छी जगह थी, बहुत अच्छी जगह बना भी रखा है। हाँ फैमिली के साथ दोबारा आएंगे। चलो गाइस अपने आगे का सफर शुरू करते हैं। मुश्किल से ट्रक से आगे निकले थे, अब ये फिर आगे निकल जाएगा यार, इतनी मुश्किल से इसको ओवरटेक किया था हमने। अबे यार व्यू पॉइंट के चक्कर में साला रह गए। सारी चट्टाने बाहर निकल रही थी कहीं। हाँ, वीडियो बनाते बनाते हाथ में लग गई एंकर फोन नीचे, व्लॉगिंग यहीं पर हो जाएगी सारी। फाइनली पहुंच चुके हैं हम गरतांग गली, ये देखो लिखा हुआ है प्रवेश द्वार गरतांग गली गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी, और यहां से मेरे ख्याल से हमें यहां का टिकट लेना पड़ेगा अंदर, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना अंदर। पानी की बोतल जाने को क्यों बोल रहे हो, टफ तो नहीं है कहीं ज्यादा चढ़ाई वढ़ाई हो तो, कहीं वो बोल रहे कहीं लेटे पड़े हुए दोनों कहीं तो पानी लेके चल जाओ, छींटे मारने के काम आएगा एक दूसरे के। पहले अच्छा आज पहले हैं, आज के पहले कस्टमर बन रहे हैं हम यहाँ के गरतांग गली के पहले कस्टमर। वही क्या बड़े बड़े पहाड़ हैं यार यहाँ पे, और सीधा नीचे तक सीधा घाटी है, गहरी घाटी दिख भी नहीं रही है भाई इतनी गहरी है। चलें फिर करें स्टार्ट। चलो, चलो, और क्या? क्या टाइम हो रहा है? लगभग टाइम हो रहा है 10:30 बजे स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी ट्रैकिंग। अब देखते हैं कितने घंटे में कंप्लीट हो पाती है, वैसे तो वो 1.5 घंटा बोल रखा है उन लोगों ने, अब देखते हैं अपनी स्पीड पे निर्भर करता है सबकी, कौन कितनी जल्दी कंप्लीट कर पाता है। हाँ स्ट्रेट ही है, मुझे ज़्यादा लग नहीं रहा है, पर उन्होंने बोला है कि भाई पानी की बोतल रख लेना, मतलब आते वक्त शायद हमें वो लगे, क्योंकि नीचे देखो अभी नीचे जा रहे हैं ना हम, आते वक्त ऊपर चढ़ाई होगी, सीढ़ियाँ होंगी, हाँ शायद हो सकता है काफी ज्यादा हो। हाँ वो हो सकता है, सामने जो रोड जाती है ना वहाँ से भी दिखती है गरतांग गली, और ऊपर से देखोगे अगर आप गरतांग गली को तो नीचे से कुछ नहीं लगता। अच्छा। सिर्फ सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ दिखती है, ऐसा लगता है कि भाई कैसा टिक रखा है इसमें। भाई देखो यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो गई है और एकदम खड़ी चढ़ाई है यहाँ से, तभी उसने बोला था बेटा पानी लेके चल जाना वरना बोल जाओगे, और मैं तो अभी से ही बोलने लग गया। भाई साहब स्टेमिना बहुत कम हो रहा है यार धीरे धीरे, उसने तो 1.5-2 घंटे बोल रखा ना, मुझसे लग रहा था 3-4 घंटे से पहले खत्म नहीं कर पाता मैं। ONGC वाले ने झंडे गाड़ रखे हर जगह, क्या है ये लाइट होना है ये। सामने ट्रक खड़ा हो रखा एक जो रोड है वहां से दिखती है गरतांग गली पूरी, और यही रास्ता है वो निलोंग वैली जाने का, मैंने एक व्लॉग में देखा था वो यहीं से जा रहा था, और उसके जो ड्राइवर था जो चला रहा था गाड़ी वो बता रहा था कि भैया सामने देखो गरतांग गली दिख रही है आपको, तो सामने गरतांग गली मतलब यहीं से होगा निलोंग वैली का रास्ता भी, ये भी बॉर्डर ही है ना। हाँ तो पहले पैदल जाते थे ना ट्रेडर्स। हाँ अच्छा मान लो यहाँ पे आ गया बाघ आ गया, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा उसको देख के? पहली बात तो स्टेप लेने की हालत में होंगे नहीं क्योंकि उससे तेज हम भाग नहीं सकते। तो भाई उससे तेज किसको भागना है? उससे तेज मुझे तो तेज सही है, बढ़िया व्लॉग बन जाएगा,
खाते में भी दिख जाएगा कैसे खाता है इंसान को। अपलोड कौन करेगा उसको? हैं? हाँ अपलोड कौन करेगा, बात तो है। बाकी अपलोड करेगा। व्लॉग अपलोड कौन करेगा उसके बाद, ये दिक्कत है। पूरा गैप है, खाइए सीधा। भाई साहब यहाँ तक नीचे देखने भी चक्कर से आ रहे सारे। फूलती हैं थोड़े देर में, सही हो जाती हैं। अभी उस टाइम फूल रही थी, बीच में तो ढलान आई एकदम नॉर्मल, ऐसा कहीं कुछ मेहनत की नहीं होगी। जैसे चढ़ाई आ रही फिर ऐसा बहुत मेहनत हो रही। हाँ भयंकर, कभी चढ़ाई आ रही कभी उतराई आ रही, एक टाइम पे खुशी नहीं दे सकते ये लोग। आते वक्त भी चढ़ना है जाते वक्त भी चढ़ना है, एक टाइप की चीज रखो ना, या फिर तो चढ़ाई रखो या उतराई रखो, दोनों टाइम हमें डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़ेगी। भरल कॉरिडोर, भरल को रास्ते का प्रथम अधिकार है। भरल ब्लू शीप कॉरिडोर, भरल है फर्स्ट राइट ऑफ वे। यहाँ पे ब्लू शीप दिख सकता है भाई कहीं पर भी, उसको सबसे पहले अधिकार है, हमसे भी पहले अधिकार उसको इस रास्ते का। तो कभी दिख जाए तो डरना नहीं है। फाइनली इतना चलने के बाद, इतना ट्रैक करने के बाद हम फाइनली पहुँच चुके हैं। अब तक तो जितना हम चल के आए तो नॉर्मल ट्रैक था, और बेस्ट पार्ट ट्रैक का अब यहाँ से स्टार्ट होता है। व्यू देखो भाई, नीचे का व्यू देखो, नीचे देखने में भी डर लग रहा है भाई, इतना गहरा है भाई। अद्भुत अद्भुत, आराम से झुके झुके। बहुत नीचे एकदम, यही तो गली है भाई, पूरा सर के ऊपर आ रखा पत्थर, गलती से गिर गया ना। तो रास्ता बंद हो जाएगा, रास्ता क्या ये पूरा टूट जाएगा अगर ये गिर गया। सामने से तो कुछ और दिखता भी नहीं, सिर्फ दिखता है लकड़ी का ढांचा। ये देखो ना, यहीं से देखो कैसा दिख रहा है, सीधे नीचे पत्थर है और कुछ नहीं है, देखो सिर्फ लकड़ी का ढांचा है। यहाँ पे डेड एंड है, यहाँ पे लकड़ियों का ढेर इन्होंने जमा कर दिया, कोई पार ना कर पाए। ये क्या लगा रखा इन्होंने, पार ना कर पाए ताला, एक पैर एक उसमें पार कर लेगा ये। अरे बताने के लिए कि बस ये, हाँ बस ये एंड है, ट्रैक का ही एंड है। हाँ ये बस एंड हो गया। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, गड़तांग गली में लकड़ी की सीढ़ी पर जाने हेतु नियम, सीढ़ी में एक बार में अधिकतम 10 लोग तथा आपस में 1 मीटर की दूरी बनाकर चलेंगे। सीढ़ी में झुंड बनाकर आवागमन बैठना क्या है, निषिद्ध होगा। सीढ़ी पर अति उत्साहित होकर उछल कूद। अरे यार कौन करेगा यहाँ उछल कूद। बहुत ही भयंकर बर्फीली हवा चल रही है यहाँ पर, एक तो आज धूप भी बहुत हल्की है, ज्यादा तेज धूप नहीं है। अब हालत और खराब होने वाली है भाई चढ़ने में, नीचे तो आ गए मजे मजे में, अब ऊपर चढ़ना और मुश्किल होने वाला है भाई। पहली बात तो यार ये बनाई किसने होगी, सिर्फ फट्टों में अटक रखा है ये पूरा ब्रिज, पूरे ब्रिज में सिर्फ फट्टे ही फट्टे लग रखे हैं। जो भी इसका इंजीनियर रहा होगा ना भाई, अद्भुत दिमाग का रहा होगा। गर्दांगल तो पूरा ही नाम है क्या? हाँ अच्छा, मेन वहीं से स्टार्ट है पूरी गर्दांगली, पूरा आगे तक। अच्छा वो वुडन यहाँ बनाया उन्होंने इतना टॉप पोर्शन, लेकिन इसका जो भी इंजीनियर रहा होगा ना भाई बहुत दिमाग वाला रहा होगा। सिर्फ फट्टों में अटका रखा उसने पूरा को। इंजीनियर छोड़, ये मजदूर होंगे, मतलब अपनी जान हथेली में लेके बनाया होगा उन्होंने तो। सही बात है, इंजीनियर तो बस ड्राइंग दे दी होगी, ड्राइंग दे दी होगी। हाँ फाइनली हमारी गड़तांग गली का सफर यहीं पर खत्म होता है, और करेक्ट 1.5 घंटे में पहुंचे हम लोग यहाँ पे, जैसे भैया ने बताया था करेक्ट 1.5 घंटे में हमने पूरा ट्रैक कंप्लीट कर लिया। अच्छा वो दूसरे सामने वो रोड कौन सी जा रही है, वो उधर जो निलोंग वाली है, वो कहाँ से आगे से जाती है 1 किलोमीटर निलोंग के लिए ना भाई? ये देखो, ये है जो ब्रिज दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं लंका ब्रिज, लंका ब्रिज है इसका नाम, लंका श्रीलंका नहीं सिर्फ लंका। हाँ हवा ठंडी है, चिल्ड एकदम, एक तो धूप भी कम है ना आज, तेज धूप नहीं है, तेज धूप होती तो ज़्यादा मज़ा आता। पानी भर लो, प्यास लग रही भयंकर। लेकिन कैसे हुआ ना एकदम एग्जैक्ट 1.5 घंटा यार, मतलब ऐसा नाप रखा होगा जैसे लोग कितना रुकेंगे कहाँ पे रुकेंगे, एकदम 1.5 घंटा। हाँ हम तो जबकि काफ़ी रुके, हाँ एकदम, लेकिन एग्जैक्ट 1.5 घंटा ना, 1 मिनट ऊपर में 1 मिनट नीचे। 36 पे चले थे और नहीं 36 पे चले और 12:56 पे पहुंच गए। गड़तांग गली का भी सफर पूरा हो गया, जितनी जगह थी हरसिल में सारी घूमी ली,
एक ने लॉन्ग वैली था, उसको तो यार पास लेना पड़ता और हमसे फालतू की झंझट पाली नहीं जा रही थी, तो हमने सोचा नेलोंग वैली अब कभी और करेंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, SDM को पास बनाने पड़ते हैं, तो हमने सोचा कि छोड़ो। हो गई फिर देहरादून की तैयारी। 12 बजे का टारगेट रखा था और टाइम हो रहा है अभी 12:20, तो क्या लगता है कब तक पहुँच जाएंगे? 8 तो मुश्किल है, 9 तक कोशिश करेंगे। भाई देखो पेड़ टूट गए, बीच रास्ते में गिर गए थे, अंकल लोगों ने हटा दिया तब तक जब तक हम आए। देखो पूरा पेड़ टूट के नीचे गिर रहा था, हैं पेड़ टूट गया था पूरा। निकल जाएगी गाड़ी? हाँ हाँ निकल जाएगी, अब तो निकल ही जाएगी। भाई कैसे टूट रखे यार पेड़ पूरे, हैं हवा से, ज़्यादा तेज हवा चल गई होगी मेरे ख्याल से। ऐसा कैसे गिर गया यार? हाँ पूरा वहाँ वो भी गिर रहा था पूरा, देखो अलग से टूट के नीचे गिर रहा था। बाप रे। और आगे भी गिर रहा था ऊपर वाले, देखो तो और बड़ा गिर रहा था, पूरा ऊपर से टूट रहा था ये, देखो वो देखो पूरा ऊपर से टूट रखा ये। चलो निकल जाएगी गाड़ी, तो पूरी रेंज दिख रही है ये देखो हिमालयस की। अभी थोड़ा मौसम साफ है ना, ऊपर से धूप पड़ रही है तो सही से दिख रहे हैं, हल्के से बादल लगे हुए यहाँ पे, ये बादल नहीं होते ना तो और अच्छे से दिखती, पूरी दिखती पूरी। और हो सकता है इसमें थोड़ी गंगोत्री वाली भी हो इसमें, है ना, गंगोत्री वाली तो होंगी इसमें क्योंकि इतनी हाइट पे हैं ये, वहाँ से पास से दिख रहे थे और बस अभी दूर से दिख रहे हैं। सही बात है, पूरे बर्फीले पहाड़ वैसे सुबह वाइट दिखते हैं और अभी पूरे ऑरेंज दिख रहे हैं। तो भाई अभी बज रहा है 6:30 और अभी हम यहीं जहाँ हमने नाश्ता किया था वहीं आए हैं, चाय पीते हैं और थोड़ी थकान मिटाते हैं क्योंकि बैठे बैठे थक लग गई है। थकान लग गई? हाँ, थकान लग गई। 12:15 पे निकले थे वहाँ से ना, से तो 10 बजे निकले थे। हाँ अभी कितना होगा तकरीबन 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर अभी और बचता है ना, जहाँ से हम कटे थे सुहा खोली से कटे थे ना। हाँ 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 ऑफ रोडिंग वाली, हाँ ऑफ रोडिंग आने वाली। तो भाई फाइनली पहुँच गए, टाइम हो रहा है अभी 8:35 और काफ़ी थकान लग गई है यार आज, चाय बैठा था मैं बट स्टिल। कहाँ है श्री, कहाँ है श्री, जय तो करो। 3 दिन बाद दिख रहे हैं। नहीं बोले क्यों? बता के गए थे। जब मैं सोई थी तब निकल गए चुपचाप, मुझे भी नहीं ले गए। फाइनली गाइज मेरी हर्षिल की ट्रिप पूरी एंड होती है यहाँ पे और आई होप आप लोग को मेरे तीनों एपिसोड्स पसंद आए होंगे। अगर आपने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा तीनों एपिसोड्स की, आप वहां पे जाके उनको देख सकते हैं। और अगर आप लोग को ये पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।